आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो दोस्तों. जी हाँ, मैं इस ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका जो फोन होने वाला है इट इज गोइंग टू चेंज द वे इट लुक्स, स्पेशली जो आपका सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो. जी हाँ, मैं एंड्रॉयड वगैरह चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो कस्टमाइजेशन आप कर पाओगे, जो मैं एप्स बताने वाला हूँ, दे आर नेक्स्ट लेवल. आई एम श्योर अगर आपके दोस्तों ने ये देखा दे विल गेट इम्प्रेस्ड. इसलिए ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए दोस्तों. बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करके ये सब एप्स आप तक पहुंचाए दोस्तों. सो वॉच इट टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक इट, जी हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा. सब्सक्राइब नहीं, वो तो करना मैंडेटरी बन जाता है. सबसे पहला जो ऐप है दोस्तों वो है कॉमेट इन. ओ वाओ, व्हाट एन ऐप दोस्तों. जनरली 3-4 साल पहले आप कस्टम रोम्स वगैरह डाला करते थे टू गेट दोज एक्स्ट्रा फीचर्स. ये जो कॉमेट इन है ना दोस्तों, ये वही सब जो फीचर्स है वो आपको देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फोन में एम्बियंट डिस्प्ले नहीं है तो आप एम्बियंट डिस्प्ले ला पाओगे विद कॉमेट इन. ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं इस पर्टिकुलर ऐप में जहां पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर पाओगे. ऐप लॉकर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऐप के अंदर नहीं है वो आप कर पाओगे. एक सेपरेट प्राइवेट स्पेस जहां पे आपको फाइल्स फोल्डर्स वगैरह डालने विद पासकोड, वो सब कर पाओगे. फ्लिप टू साइलेंट फीचर आता है, जी हाँ, जो नॉर्मली आपके फुट बाय डिफॉल्ट आपके फोन में नहीं होगा, तो फ्लिप करोगे तो साइलेंट हो जाना चाहिए. नोटिफिकेशंस वगैरह के आवाज है, साउंड्स है, वो नहीं आने चाहिए. ये फीचर भी कॉमेट इन के अंदर है. एंड शेक डिवाइस करके आप बहुत सारे अलग अलग एक्शंस वगैरह असाइन कर पाओगे. तो शेक करने के बाद अगर आपको कैमरा चालू करना है या फिर LED लाइट वगैरह चालू करनी है तो आप कर पाओगे. कॉमेट इन सही में सिर्फ 9.8 MB का है. नेदरलैंड्स के डेवलपर का ये ऐप है. आई रियली लाइक इट, यू मस्ट ट्राई. जो भी एप्स मैं आपको बता रहा हूं सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं दोस्तों. अगला जो ऐप है वो मैं यूज करता हूं मेरे फोन के अंदर, कॉमेट इन भी इस्तेमाल करता हूं और टेपिट भी इस्तेमाल करता हूं, TAPET. ये एक नया नेक्स्ट जनरेशन वॉलपेपर ऐप है जो बेसिकली ऑटोमेटिकली जनरेट करता है आपका जो फोन है उसके हिसाब से वॉलपेपर्स, मतलब स्क्रीन साइज ये सब ध्यान में रख के अच्छे वॉलपेपर्स देता है. वैसे इनिशियल टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो आपको चूज करने हैं, और उसके बाद में दोस्तों हर घंटे, हर 6 घंटे, हर एवरीडे नए नए अगर वॉलपेपर्स आपको चाहिए तो आप इस्तेमाल कर पाओगे. डू ट्राई इट आउट. सिर्फ 10-11 MB का ऐप है, USA का ऐप है, ट्राई जरूर कीजिएगा. अगला जो ऐप है दोस्तों वो है वॉल्यूम स्टाइल्स. यस, आपका जो वॉल्यूम पैनल होता है, जब आप वॉल्यूम अप डाउन करते हो तो साइड में जो आता है वो आप कस्टमाइज कर पाओगे विद वॉल्यूम स्टाइल्स. जी हाँ, ये कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकता है, मतलब नॉट ओनली कलर्स वगैरह लेकिन शेप्स एंड साइज. भाई रेक्टेंगुलर आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होने चाहिए आपके बार्स वगैरह, या वर्टिकल होने चाहिए, ये सब आप चेंज कर पाओगे. एंड एडिशनल शॉर्टकट्स वगैरह जो है वॉल्यूम पैनल के वो भी ऐड कर पाओगे. सो एवरीथिंग, ब्राइटनेस अगर कम ज्यादा करना है, वॉल्यूम कम ज्यादा करना है, म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, ये सब चीजें आप कस्टमाइज कर पाओगे. सो या वेरी नाइस, अगर आपको आपका वॉल्यूम स्लाइडर जो है, पैनल स्लाइडर, वो चेंज करना है, ट्राई आउट दिस ऐप. अगला जो ऐप है दोस्तों उसका नाम है एनर्जी रिंग. जी हां, बेसिकली सैमसंग का फोन अगर आपके पास होगा तो जो होल पंच कैमरा होता है उसके बाजू आप एक रिंग ला पाओगे. और वो सिर्फ रिंग नहीं है, मतलब लाइट आता ही है, बट दैट इज ऑल्सो बैटरी इंडिकेटर, मतलब आपकी बैटरी कितनी खत्म हुई है, कितनी परसेंटेज है, वो बेसिकली रिंग के सहारे दिखाता है. जब आप चार्ज वगैरह करते हो तो भी वो आता है. और अगर सैमसंग का फोन नहीं है दोस्तों तो वो एनर्जी बार दिखाता है. फोन के एकदम टॉप में आपको एक लाइन दिखेगी, अगेन वो कस्टमाइजेबल है, येलो रेड ब्लू वगैरह आपको करना है वो सब कर पाओगे. चार्ज करते समय आगे पीछे जाता है, सो यू नो इट इज चार्जिंग. ओवरऑल आई कैंडी है, वो जो बोरिंग होल पंच सेंसर होता है आगे का उसको आप चेंज कर पाओगे, या फिर ऊपर एनर्जी बार भी बहुत अच्छा दिखता है, इट लुक्स ऑल्सो क्वाइट गुड. और हाँ दोस्तों, मतलब एनिमेशन वगैरह भी बहुत सारे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, दिस ऐप इज मेड इन इंडिया. जी हाँ, तो सपोर्ट तो उन्हें करना ही होगा. अगला जो ऐप है वो है बेसिकली एंड्रॉइड 12 के बारे में, एंड्रॉइड 12 क्लॉक विजेट्स. जी हाँ, नए अभी जो एंड्रॉइड 12 आया हुआ है दोस्तों, विजुअली बहुत ही चेंजेस आए हुए हैं. और उसमें एक सबसे अच्छी चीज है, वो जो क्लॉक्स है वो चेंज है. जो नॉर्मल एनालॉग और डिजिटल क्लॉक्स होते हैं उनके डिजाइन चेंज है, बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स आपको मिलते हैं. जी हाँ, और ये विजेट क्लॉक्स है जहां पे आप एनालॉग इस्तेमाल कर पाओगे. लाइट कलर चाहिए, डार्क कलर चाहिए, फ्रेम एनालॉग चाहिए, डिजिटल क्लॉक चाहिए, ये जो एंड्रॉइड 12 क्लॉक विजेट है इसके साथ इस्तेमाल कर पाओगे. अगर आपको दिखाना है ऊपर से, क्योंकि क्लॉक विजेट जो होता है होम स्क्रीन पे होता है, तो आपके दोस्तों को आप दिखा सकते हो, देखिए एंड्रॉइड 12 है मेरे पास. जी हाँ, उतना ही दिखाइए, दूर से पास मत लेके जाइए वरना पता चल जाएगा लोअर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड है. बट नाइस ऐप, ये भी कुछ 5 MB का ही सिर्फ ऐप है, इसलिए या यू कैन गो अहेड एंड इंस्टॉल इट. जैसे पहले बताया, सभी के लिंक दिए हुए हैं. ऑलराइट, फाइनली दोस्तों, आइकन पैक स्टूडियो, ये जो ऐप है ना, इसके साथ आप खुद
आपके जो आइकन्स हैं वह बना पाओगे, मतलब कस्टमाइज कर पाओगे, अलग अलग कलर्स चाहिए, अलग शेप्स चाहिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर कर पाओगे। ये 47 MB का ऐप है, थोड़ा बड़ा है, बाकी सब 10 MB के, बट दिस वन अगर आपको आपके जो आइकन्स हैं वो जो है वो चेंज करने हैं, थोड़े अलग करने हैं, एकदम यूनिक करने हैं, तो ज़रूर आप इस ऐप को ट्राई कीजिएगा। वी ट्राइड इट, वी मेड सम आइकन्स एंड आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट ट्राई इट आउट अगर आप इंटरेस्टेड हो आइकन डिज़ाइन में। तो ये जो है दोस्तों, कैसे लगे वैसे आपको, ऐप्स इंस्टॉल कीजिए, यूज़ कीजिए, उसके बाद में फिर से इधर आइए, इतना तो बनता है दोस्तों, आपके लिए वीडियोस करते हैं। कमेंट कीजिए आपको ये ऐप्स कैसे लगे और इन 5 ऐप्स में से सबसे अच्छा ऐप आपको कौन सा लगा, ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।